अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे माइक्रोटिक की एपीआई के थ्रू माइक्रोटिक को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो एक लेक्चर पहले मेरा था मैक्स बिलिंग के लिए, अभी मैं आपको महमूम के जरिए बताऊंगा कि आप कैसे महमूम को अपने लोकल सिस्टम यानी कि अपने लैपटॉप में रख के आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसके लिए हमें रिक्वायर है कि आपके पास एग्जाम होना चाहिए या आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। तो एग्जाम के लिए आपने सिंपल आना है क्रोम पे, तो आपने google.com ओपन करना है और एग्जाम डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। पहला है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें से लेटेस्ट वर्जन आपने डाउनलोड कर लेना है। ये देखें, ये लेटेस्ट है। ओल्ड वर्जन भी आप कर सकते हैं। ये देखें, लिनक्स है तो लिनक्स के लिए आपने कर लेना है। ओएस है यानी कि एप्पल है तो आपने वो कर लेना है। उसके अलावा आपके पास और कोई विंडो है तो आपने जो है ना, या पुराना वर्जन करना चाहते हैं तो आपने इस पे क्लिक करना है। ये डिफरेंट वर्जन हैं, आप उससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सोर्स फोर्स है, इससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और सिंपली आपने जो है ना एग्जाम को ओपन करके स्टार्ट कर देना है। तो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपने जो है वो एक्सप्लोरर ओपन कर लेना है और इसमें ये एचडी डॉक है आपका, इसको ओपन कर लेना है। और एक और ब्राउजर हम ओपन कर लेते हैं, एक वो हो गया मेरा महमूम पड़ा हुआ है, इसमें मैं लिखता हूँ महमूम। जिधर आपने रखा होगा आप उसको जो है उधर से उठा लें। महमूम को ओपन करता हूँ, ये देखें ये महमूम है। इसको मैं करूँगा रीनेम क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास हुआ हुआ है, महमूम PHP। ठीक है, इसको मैं करूँगा Ctrl C कॉपी, इसको क्रॉस कर दूंगा, HD डॉक में जाके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट हो गया, इसको मैं करूंगा रीनेम, कॉपी कर लूंगा, सेम नेम कॉपी किया। उसके बाद मैं आऊंगा इधर क्रोम पे, आप कर लें, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कर लें, एनी ब्राउजर किसी पे भी आप कर लें। लोकल होस्ट पे क्लिक करें, इंटर करें, PHP माई एडमिन पे क्लिक कर दें। PHP माई एडमिन पे क्लिक करने से ये होगा कि आपका, आपने सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, तब तक हम एक माइक्रोटिक को अपने को, ये माइक्रोटिक है ये, इसको मैं अभी करता हूं पावर ऑन। पावर ऑन कर लिया और लोकल होस्ट स्लैश ये ओपन हो गया। ये देखें, मुख्तलिफ डिफरेंट डेटाबेस बने हुए हैं, इस वजह से मैंने उसका नाम चेंज किया है। आप नाम ना भी चेंज करें तो कोई इशू नहीं है। आपने सिंपल प्लस पे क्लिक करना है, डेटाबेस का नाम देना है, जो फोल्डर का नाम है क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद फोल्डर भी आपका कॉपी हो गया, डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। आपने लोकल होस्ट स्लैश जो डेटाबेस क्रिएट किया है, सेम नेम आपने इंटर कर देना है। ये देखें, महमूम आपका लॉगिन पेज भी हो गया। इसका लॉगिन है महमूम और 1 2 3 4 5, लॉगिन कर देना है। लॉगिन करेंगे, ये इसका मेन पेज आ गया। तो हम माइक्रोटिक को हमने किया ऑन और ये देखें ये ऑन हो गया। तो मैं इस तरह करता हूँ कि ये पहले मैं आपको ये चेक करा दूँ, ये ईथरनेट पे आया, चेंज अडाप्टर सेटिंग में आया, इसकी आईपी है 0.13। तो मैं माइक्रोटिक में आया,
इस पे क्लिक किया, एडमिन एडमिन इसका पासवर्ड है, लॉगिन कर लिया। तो मैं आता हूँ आईपी एड्रेसेस पे, ये देखें 109 है इसकी आईपी। तो ये महमूम मेरा इंस्टॉल हो गया। ऐड राउटर पे क्लिक करूंगा, सिंपल प्रोसीजर है। इधर मैं इसकी आईपी दे दूंगा 192.168.0.109। यूजर रैम मेरा है एडमिन और पासवर्ड है एडमिन। इसको मैं सेव करूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। ये देखें ये मेरे पास कनेक्ट होके आ गया। ये हॉटस्पॉट के लिए है बेसिकली, क्या हॉटस्पॉट के यूजर आप इस पे क्रिएट करते हैं। ये डैशबोर्ड है, इस पे ये सारी डिटेल बता रहा है। सिलेक्ट इंटरफेस, कौन कौन सा इंटरफेस है, उस पे कितनी ट्रैफिक आ रही है आप चेक कर सकते हैं इससे। एक वीलैन भी इसमें क्रिएट है, क्योंकि मेरा मैंने मेन सर्वर से बैकअप उठाया हुआ, तो इस वजह से इस पे आ रहा है। तो इसमें मैं बेसिकली आता हूँ हॉटस्पॉट पे, इधर से मैं आता हूँ आईपी हॉटस्पॉट। ये डिफॉल्ट प्रोफाइल है, ये रिमूव नहीं हो सकती। यूजर है, रिमूव नहीं हो सकता। यूजर प्रोफाइल है, रिमूव नहीं हो सकती। एक्टिव में कुछ भी नहीं है। तो बताने का आपको मकसद यह है कि मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा। ये देखें इसमें मैं आता हूँ ऐड आकिब एड्रेस पूल आईपी पूल। एक पूल की रेट है उसमें 5 GB कर देता हूँ डाटा रेट लिमिट 5 MB। और ये देखें ये हमारे पास जो है क्रिएट हो गया। उसके बाद जनरेट आ जाता हूँ मैं इसमें, ये जनरेट कर रहे हैं हम यूज़र पासवर्ड। तो मैं सिर्फ यूज़र पे आ जाता हूँ, प्रोफाइल पे आकिब दे देता हूँ और जनरेट कर देता हूँ। ये देखें ये भी जनरेट हो गया। तो बेसिकली ये आपका जो है माइक्रोटिक का उसके लिए हॉटस्पॉट के लिए, इस पे ये डिटेल्स बता रहा है, इतने यूजर हैं, डेली की इनकम बताएगा, ये सारा कुछ बताएगा। तो मैं माइक्रोटिक पे जाता हूँ, इधर आता हूँ, ये देखें यूजर में आता हूँ, ये यूजर क्रिएट हो गया। प्रोफाइल पे आता हूँ तो ये प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। ये सारी चीजें जो है ना, ये देखें आईपी पूल और ये पूल के रेट हो गया है। बेसिकली ये हम हॉट स्पॉट के लिए ये सिनेरियो कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।